नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की क्लास में 5 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ क्लास स्टार्ट करते ही मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी कि बताइए, आज है 5 अक्टूबर और आज हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन। और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पे, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का, कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस संस्था में खादी इंडिया के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही प्रश्नों में से प्रश्न बन जाएगा कि भाई खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसी आयोग के द्वारा एक आउटलेट का उद्घाटन किया गया है, किस संस्था में किया गया है, किस IIT संस्था में किया गया है खादी इंडिया के। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों IIT दिल्ली, ठीक है। IIT दिल्ली में जो है खादी इंडिया के नए आउटलेट का उद्घाटन किया गया है खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए इस आयोग ने, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी कि IIT दिल्ली में खादी इंडिया के एक नए आउटलेट का, ठीक है, आउटलेट का उद्घाटन किया है। इसका जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, वो किया गया है जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों, श्री मनोज कुमार। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन है खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मनोज कुमार है। और साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति नगेंद्र रघुवंशी ने जो है विभिन्न खादी संस्थानों के सहयोग से ये जो, ठीक है, केंद्र की स्थापना की गई है, जिसको खादी के लिए उत्कृष्ट केंद्र के द्वारा जो डिजाइन किए गए परिधानों के एक रोमांचक एक नए संग्रह का जो है अनावरण किया है। तो ये जो है आउटलेट का अनावरण किया गया है खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, श्री मनोज कुमार। दिल्ली में देखा जाए IIT के परिसर में के भीतर खादी ग्राम उद्योग भवन का शुभारंभ खादी के युवा डिजाइनों को कॉलेज के छात्रों के लिए आसानी से सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक तरीके से युवाओं के बीच में खादी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ये डिसीजन लिया गया कि एक आउटलेट जो कि इस IIT संस्था के बीच में स्थापित किया गया, ठीक है, और इसी को दौरान तरीके से खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए, इसकी डिमांड बढ़ाने के लिए, जो नए यूथ हैं उनके बीच में इसके, ठीक है, डिमांड को बढ़ाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है, ये जो आउटलेट है इसका उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ साथ कुछ और भी बात कर लेते हैं दोस्तों खादी और ग्राम उद्योग से संबंधित। देखिये, खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, जो कि मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किया गया जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री हैं नारायण राणे, उन्होंने जो है खादी महोत्सव का उद्घाटन किया, कहा कि आप महाराष्ट्र के मुंबई में किया। अगर हम इस महोत्सव की बात करें दोस्तों, तो ये गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यानी कि खादी महोत्सव का जो आयोजन हुआ है, शुरुआत की गई है, ये 2 अक्टूबर को शुरुआत किया गया है और इसमें खादी और ग्राम उद्योग के लिए, ठीक है, सरकार के समर्थन को भी प्रदर्शित किया गया है। ये जो महोत्सव की बात करें, खादी महोत्सव दोस्तों, ये 1 महीने तक चलने वाला महोत्सव यानी कि ये 2 अक्टूबर तक, जो 2 अक्टूबर को ये शुरू किया गया है और ये 31 अक्टूबर 2023 तक ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कहां पे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, मुंबई में। चलिए, तो हमने ये खादी महोत्सव के भी बारे में बात किया और साथ ही साथ हमने ये भी बात किया कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने एक आउटलेट का उद्घाटन किया है IIT दिल्ली के परिसर में। इसी के साथ साथ चूंकि हम आयोग के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए ये आयोग जो है खादी और ग्राम उद्योग आयोग क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस आयोग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये किया गया था खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत इसको स्थापित किया गया था। और चूंकि ये एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ये इसलिए क्या है दोस्तों, ये एक वैधानिक निकाय है, न कि एक संवैधानिक निकाय, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि ये संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। कब किया गया था, 1956 के तहत किया गया था। इसके कार्यों को देखें तो ये जो है आयोग पर देखा जाए, जहां भी आवश्यक हो ग्रामीण विकास में लगी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्राम उद्योगों के विकास हेतु कार्यान्वयन कार्यक्रमों की योजना, प्रचार, संगठन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है, ठीक है।
किसके ऊपर ये जिम्मेदारी है? तो ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग के ऊपर ये जिम्मेदारी है। और ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो जैसा कि अभी हमने बताया दोस्तों, ये MSME यानी कि माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। कि देखिए, मंत्रालय भी पूछा जा सकता है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, आयोग के बारे में, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, फिर से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नियुक्ति से संबंधित है कि सीमा सड़क संगठन BRO बोर्ड, यहाँ पे देखा जाए बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसका करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को, यानी कि करेक्ट आंसर है सी, इन्हें जो है BRO का 28वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो BRO जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सीमा सड़क संगठन, इसके 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल रघुनाथ श्रीनिवासन, रघु श्रीनिवासन, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? तो इन्होंने जो सेवानिवृत्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का स्थान लिया है, ठीक है। तो राजीव चौधरी के स्थान पे देखा जाए लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्रम से देखा जाए तो ये 28वें है। इनके बारे में बात किया जाए तो ये पहले क्या थे, तो रघु श्रीनिवासन पुणे के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर में कमांडेंट के पद पर ये कार्यरत थे, ठीक है। चूंकि बात करें BRO के बारे में, तो BRO के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है क्या, तो जितने भी सुदूर उत्तरी जो पहाड़ी जो हिमालयन क्षेत्र है, जो पहाड़ी राज्य है, और उत्तर पूर्वी जो आप देखेंगे जो सेवन सिस्टर यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, वहां पे बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से जो भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखना था, जो भारत की जो सीमाएं हैं दोस्तों, ठीक है, हिमालयन राज्यों में जो पहाड़ी राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के जो कि एक प्राथमिक उद्देश्य के साथ BRO की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो 7 मई 1960 को की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, 7 मई 1960 को किया गया था। और ये किस मंत्रालय के तहत जो है ये कार्य करता है? तो ये प्रशासनिक नियंत्रण में यानी कि रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ये कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट BRO ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है, BRO। और कब स्थापित किया गया था? 7 मई 1960 को किया गया था। तो BRO के बारे में हमने देखा। आइए कुछ और भी नियुक्तियां देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे। देखिए वायस एडमिरल है जिनका नाम है तरुण सोबती, ठीक है, तरुण सोबती की बात किया जाए तो इन्हें देखा जाए दोस्तों, ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? ये किया है वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने किया है। इसी के साथ साथ देखा जाए जो मैरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जिनका नाम है सौगत गुप्ता, ठीक है, सौगत गुप्ता को देखा जाए तो स्वनियामक निकाय की बोर्ड बैठक में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसे किया गया दोस्तों? ये चूंकि हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया है, तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया दोस्तों, ये किया गया, ध्यान रखिएगा, सौगत गुप्ता को किया गया है, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने कल के सेशन में डिस्कस भी किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है कि निम्न में से किस देश में डॉक्टर BR अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? ऑप्शन देख रहे हैं, उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका का दोस्तों शहर है मैरीलैंड, ठीक है, मैरीलैंड में देखा जाए जो 14 अक्टूबर है वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी जो विशाल प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है, ठीक है। इस योजना के आयोजक देखा जाए अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ठीक है, AIC ने जानकारी दी है कि ये 19 फुट ऊंची प्रतिमा होगी। ध्यान रखिएगा कितनी फुट ऊंची है, तो 19 फुट ऊंची प्रतिमा है। और इस प्रतिमा का नाम क्या रखा जाएगा? तो समानता की प्रतिमा जो है इसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ देखा जाए इस प्रतिमा को तैयार किसने किया दोस्तों? जैसा कि आप इनका पहले भी नाम आप सुन चुके होंगे, ये कलाकार और शिल्पकार है रा सुतार, इन्होंने जो है इस प्रतिमा को, ये 19 फुट प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तैयार किया है। और राम सुतार का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि इन्होंने ही देखा जाए दोस्तों जो गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल जी की प्रतिमा है उसका भी निर्माण इन्होंने ही किया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि ये जो है अहमदाबाद जिले में जो सरदार पटेल जी की प्रतिमा है इसे किस नाम से जाना जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है।
मैरीलैंड के जो शहर है दोस्तों, जिसका नाम है एकोकिक शहर, उसमें देखा जाए 13 एकड़ की जमीन पर यह प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भारतीय संविधान के जो प्रमुख निर्माता है अंबेडकर जी की, इस प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। चूंकि बात करें दोस्तों अंबेडकर जी की, तो आप इनके बारे में भी जान लीजिए। देखिए इनका नाम क्या है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर इनका नाम है। और ये देखा जाए ये भारतीय विधिवेत्ता थे, एक अर्थशास्त्री और समाज सुधारक और साथ ही साथ राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म देखिए कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। दोस्तों इनकी बहुत सारी उपलब्धियां, लेकिन विशेष कर अगर हम जाने तो ये जो हमारे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। टोटल प्रारूप समिति में अध्यक्ष को लेकर के 7 मेंबर्स थे, ठीक है। और इन्हें जो कि संविधान सभा के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। अगर हम बात करें इनके अन्य उपलब्धियों के बारे में, तो जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो जो पहली मंत्रिमंडल बनी दोस्तों स्वतंत्र भारत की, उस पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन बने थे दोस्तों, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने थे, ठीक है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और प्रतिमा के बारे में ध्यान रखिएगा किसके द्वारा ये बनाया गया है, और जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा है उम्मीद करती हूँ आप उसका आंसर करेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और किस देश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 शुरू किया है। तो देखिए ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है संप्रीति, जिसका 11वां संस्करण शुरू हो गया है भारत और किस देश की सेना के बीच में। ऑप्शंस आप देख रहे, देखिए मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी कहा था कि जब मैं कुछ युद्धाभ्यास के बारे में बात करूंगी तो कुछ अन्य युद्धाभ्यास जो अभी तक एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं या चर्चा में, उनको भी हम एक साथ रिविजन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रिविजन कर लेंगे उन्हें। तो यहाँ पे देखिए, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट आप बहुत ही जरूरी है, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों बांग्लादेश, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के साथ जो है ये सेनाओं के बीच में संप्रीति अभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है। और ये अभ्यास देखा जाए दोस्तों 3 अक्टूबर को शुरू हुआ है। कहाँ पे इंपॉर्टेंट ये प्लेस मैटर करता है, तो उमरोई मेघालय, तो मेघालय के जो शहर है दोस्तों उमरोई में इसका जो है आयोजन शुरू किया गया है संप्रीति। और ये एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, हर साल होने वाला ये अभ्यास है। और इस वर्ष देखा जाए तो ये 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। संप्रीति 11 नाम से ही पता चल जा रहा है, संप्रीति 11, ठीक है। कहाँ पे आयोजित हुआ रहा है, तो ये मेघालय के उमरोई में। अगर हम देखा जाए ये तो अभ्यास है दोस्तों, ये जो संप्रीति अभ्यास है ये बारी बारी से, यानी कि एक बार यहाँ पे बांग्लादेश में, तो एक बार भारत में। अगर पिछले वर्ष का देखा जाए तो बांग्लादेश में हुआ था, इस वर्ष अगर भारत में हो रहा तो अगले वर्ष क्या होगा दोस्तों, बांग्लादेश में होगा। तो ये बारी बारी से देशों में आयोजित किया जाता है। और ये अभ्यास देखा जाए दोस्तों तो एक तरीके से मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का पहल का जो है सहयोग पहल का एक प्रतीक है। इस अभ्यास की दोस्तों शुरुआत भारत से हुई थी। कब हुआ था, 2009 में हुआ था। और पहला जो अभ्यास हुआ था वो असम के जोरहाट में हुआ था। और अगर हम पिछले वर्ष का 10वां संस्करण की बात करें 2022 में, तो ये 2022 तक जो है ये 10 सफल संस्करण जो है आयोजित किए जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें ये जो संप्रीति अभ्यास है दोस्तों, ये 14 दिनों तक ये अभ्यास चलेगा। और माना जा रहा है कि इस अभ्यास में लगभग 350 जो है वो मिलिट्री जो है जवान वो भाग लेंगे। अभ्यास क्या है दोस्तों, ये अभ्यास दोनों सेनाओं की यानी कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच जो है मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाएगा, सामरिक अभ्यास साझा करने में, ठीक है, मदद करेगा, और एक तरीके से सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच आपसी, ठीक है, सहयोग को बढ़ावा देने, संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये अभ्यास जो है संप्रीति आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा ये 11वां संस्करण है, कहाँ पे है, मेघालय के उमरई में। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास है जिनके बारे में हम देख लेते हैं, रिविजन क्विक रिविजन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यास हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो अभ्यास है ये वायुसेना डिजर्ट नाइट है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी के साथ साथ देखा जाए एम्फेक्स है, ठीक है, जो कि भारतीय नौसेना, ये भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, उनके बीच में है। देखिए अभी हम लोगों ने संप्रीति की बात किया, ठीक है, जो कि थल सेना अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच में। यही भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में जो अभ्यास आयोजित किया जाता है वो कौन सा है, बोंगो सागर। तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच है। गरुड़ अभ्यास की बात करें तो भारत और फ्रांस में है। हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ, भारत चीन। इंद्र ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है इंद्र, ठीक है, यहाँ पे इस तरह यानी कि इंडिया और रशिया, ठीक है। फैसिस यानी कि जिसे फासेक्स कहते हैं, ये रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय सेना के बीच में है। साहिन की बात करें दोस्तों, ये भारत या चीन और पाकिस्तान के बीच में है।
और नौ सैनिक अभ्यास है दोस्तों, पासेक्स जिसकी बात करें तो वो भारत और वियतनाम में है। ठीक है, स्काई रोज दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में। जिमैक्स की बात करें भारत जापान के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे लाफ समर की बात करें तो ब्राजील के साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना है। कॉनकर देख सकते हैं आप दोस्तों, कॉनकर की बात करें तो ये भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी है। ऑसिंडेक्स की बात करें, नाम से पता चल जा रहा, देखिए ऑसिंडेक्स, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारतीय नौसेना के बीच में। इंद्रधनुष भारत, देखिए इंद्र ध्यान रखिएगा, इंद्र जो है वो भारत और रशिया के बीच में इंद्रधनुष आपसे पूछ दे तो ये ध्यान रखिएगा भारत और ब्रिटेन की वायुसेना। ठीक है, वहीं देखा जाए नोमेडिक एलिफेंट जिसे हम हिंदी में घुमंतू हाथी कहते हैं, ये मंगोलिया और भारतीय सेना के बीच में। इक्वेरियन की बात करें, मालदीव और भारत भी, देखिए अभी मालदीव चर्चा में है, वहां के नए राष्ट्रपति बने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि कौन है जो वहां का राष्ट्रपति चुनाव जीता है मालदीव का। इसी के साथ साथ बात करें गरुड़ शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और मित्र शक्ति, देखिए गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, और अगर आपसे पूछ दे मित्र शक्ति तो भारत और श्रीलंका, और अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ बोले मैत्री तो भारत और थाईलैंड। इसी में बात करें नसीम उल बर तो भारत ओमान। स्लीनेक्स की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्लीनेक्स, ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, नाम से पता चल रहा है श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, तो जैसे इस तरह भी नाम हो तो आप थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देंगे तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये किससे पूछा जा रहा है। बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों तो भारत और सिंगापुर। ठीक है, यहाँ पे वियतनाम के बीच में इन वीपीएन डेलेट एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अन्य एक्सरसाइज भी इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं। देखिए खंजर किर्गिस्तान के साथ है, प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान के साथ है। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें लैमिते सेसल्स के साथ है, अजय वॉरियर, ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम के साथ है, शक्ति, ठीक है, ये भारत और फ्रांस है, हरिमऊ शक्ति मलेशिया और भारत के बीच में है, दस्तलिक, ठीक है, जिसे हम अक्सर दोस्तलिक के भी नाम से जानते हैं, तो भारत और उज्बेकिस्तान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप एक साथ देख लीजिएगा, इनका रिवीजन कर लीजिए एक बार, क्विक रिवीजन एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि फीफा द्वारा किस राज्य के फुटबॉल फॉर स्कूल के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो फीफा के द्वारा जो है किस राज्य में फुटबॉल फॉर स्कूल जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया गया है, किस राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर इज सी, उड़ीसा। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें जो फुटबॉल फॉर स्कूल की बात करें दोस्तों, तो एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जिसको संचालित किया जाता है फीफा के द्वारा। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसके द्वारा फुटबॉल फॉर स्कूल जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और अगर हम बात करें इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बहुत सारी संस्थाओं का सहयोग भी हासिल है, जिसमें से बात करें तो इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जो शिक्षा मंत्रालय का विभाग है दोस्तों, जिसका नाम है शिक्षा और साक्षरता विभाग, उसको देखा जाए तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय खेल, ठीक है, प्राधिकरण का सहयोग, जिसे साई कहते हैं, उसका भी सहयोग हासिल है। ठीक है, तो यहाँ पे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और साथ ही साथ भारतीय खेल प्राधिकरण साई का सहयोग हासिल है। इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा ये जो शुरुआत किया गया फीफा के द्वारा ये उड़ीसा के संबलपुर में, ठीक है, 2 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, यहाँ पे स्कूल फॉर फुटबॉल फॉर स्कूल के एक हिस्से के रूप में एक द्विदिवसीय क्षमता निर्माण मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसी के साथ साथ हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है ये जो समझौता ज्ञापन है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे समझौता लिख दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा, तो ये जो समझौता है दोस्तों स्कूल फॉर यहाँ पे फुटबॉल फॉर स्कूल जो है जो योजना है इसके लिए समझौता किया गया था 30 अक्टूबर 2022 को, किसके किसके बीच में, तो अखिल फुटबॉल संघ के द्वारा बीच में, शिक्षा मंत्रालय, और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बीच में, ठीक है, और साथ ही साथ फीफा के बीच में, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय अखिल फुटबॉल महासंघ के बीच में और यहाँ पे फीफा के बीच में ये समझौता ज्ञापन किया गया था 2022 में 30 अक्टूबर को। और इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या था, तो मंत्रालय द्वारा, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय को नोडल संगठन का दायित्व सौंपा गया था। और कार्यक्रम में देखिए क्या होगा, देश भर के जो सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं, ध्यान रखिएगा सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षक के साथ जो है 1.15 लाख फुटबॉल और उनकी क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाने का कार्य शामिल था। अगर देखिए फुटबॉल फॉर स्कूल की बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है, 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा विकास और सशक्तिकरण में योगदान देना। ठीक है, तो अभी ये कार्यक्रम दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये किया गया है ध्यान रखिएगा उड़ीसा में किया गया है। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगेन, हमने कल बोला था ना कि हम नोबेल पुरस्कार की घोषणा की शुरुआत की जा चुकी है। हम लोगों ने कल ही बात किया कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में बात किया। आज बात करेंगे दोस्तों कि भौतिक के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 2023 का। तो प्रश्न आपका यही है कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन आप देख रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों चूंकि यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन है वो पियरे एगुस्टिनी है, सेकेंड ऑप्शन आपको देखने को मिला है फेरेंक क्रांजेंस है, और एनी एल हुइलरिया है, जो कि अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो उपर्युक्त तीनों को संयुक्त रूप से भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है, और भौतिक के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा किया गया है, जो कि संयुक्त रूप से तीन वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा उनके अभूतपूर्व प्रयोग योगदान के लिए। और ये तीन वैज्ञानिक कौन है जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहला नाम है पियरे एगुस्टिनी, ठीक है, ये देखिए इनकी तस्वीर है। दूसरा नाम देखिए फेरेंक क्रांजेंस है, और एनी एल हुइलियर को देखा जाए उनके जो अभूतपूर्व प्रयोग है उसके लिए उन्हें संयुक्त रूप से 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये जो औपचारिक घोषणा की गई है स्वीडन के, ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा किया गया है। इन वैज्ञानिकों की बात करें तो यह पुरस्कार उनके प्रकाश के एंडोसेकेंड पल्स के अनूठे प्रयोग के लिए दिया गया है, ठीक है। इससे देखा जाए तो ये जो इन्होंने किसमें प्रयोग किया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के एंडोसेकेंड पल्स के अनूठे प्रयोग, ठीक है, प्रकाश के एंडोसेकेंड पल्स में इन्होंने प्रयोग किया। और इससे देखिए क्या होगा, तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा ये जो है परमाणु है ना, परमाणु और अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति के संबंध में अत्याधुनिक उपकरण बनाए जा सकेंगे। इनका उपयोग देखिए कहाँ किया जा सकेगा, तो उन तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या ऊर्जा में बदलते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऐसे बदलाव मात्र ठीक है एटोसेकेंड के 10वें हिस्से के भीतर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली ध्यान रखिएगा कि किसको ये प्रदान किया जा रहा है और किस क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया। नाम ध्यान रखिएगा प्रकाश के एंडोसेकेंड पल्स में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत बरकरार रखी है। तो यहाँ पे 2023-24 के लिए जीडीपी जो ग्रोथ रेट है भारत की वो विश्व बैंक के द्वारा कितने प्रतिशत जो है बरकरार रखा गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है 6.3%, ठीक है। तो विश्व बैंक की दोस्तों बात करें, वर्ल्ड बैंक ने जो वर्ष 2023-24 के लिए देखा जाए जो भारत की वृद्धि दर का अनुमान है वो 6.3% जो है बनाए रखने का निर्णय लिया। इसके पहले भारत जो है ज्यादा लिया गया था, 6.6 लिया गया था, फिर उसको घटा दिया गया था विश्व बैंक के द्वारा, 6.3 कर दिया गया था, और उसी को बरकरार रखा गया कि भारत जो है 2023-24 की जो भारत की वृद्धि दर होगी वो 6.3% की दर पे ही बढ़ेगी। भारत में देखा जाए अनेक जो है बाहरी चुनौतियां हैं, बावजूद इसके जो है मजबूत आर्थिक वृद्धि जारी रहने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि बहुत तमाम चुनौतियां हैं, बावजूद इसके भारत की वृद्धि दर जो है अच्छी बनी रहेगी। अगर हम बात करें जो अप्रैल की जो रिपोर्ट जारी किया गया था विश्व बैंक के द्वारा, उसमें जो है भारत की जो वृद्धि दर थी 2023-24 के लिए वो अनुमान लगाया गया था दोस्तों 6.6%, लेकिन उसे अभी घटाकर ये कितना कर दिया गया था, 6.3% कर दिया गया था, ठीक है। विश्व बैंक की दोस्तों बात करें तो ये भारत के विकास संबंधी नवीनतम विवरण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की अर्धवार्षिक प्रमुख रिपोर्ट में कहा गया कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत वर्ष 2022-23 में 7.3% की वृद्धि दर के साथ तेजी में बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये था अगला प्रश्न, बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि WHO ने किस रोग के लिए दूसरी वैक्सीन R21 जिसे मैट्रिक्स एम को कहते हैं उसको मंजूरी दिया गया है। तो ये किस रोग से संबंधित ये वैक्सीन है जिसको मंजूरी दिया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर है ए है मलेरिया। तो विश्व बैंक जो है दोस्तों, या माफ करिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, उससे देखा जाए तो मलेरिया की जो दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम है R21 जिसे हम मैट्रिक्स 11 कहते हैं, इसकी मंजूरी दे दी है, ठीक है। किसने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी दोस्तों। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसके प्रमुख जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, टेड्रेस अदनॉम, ठीक है, गैब्रियस। तो ये देखा जाए ये वैक्सीन जो है जो कि WHO के द्वारा मंजूरी दिया गया है मलेरिया के लिए, ये कई देशों में
में मलेरिया से लड़ने में मदद कर सकती है, जो पहले वैक्सीन से सस्ती और अधिक प्रभावी है। WHO के दोस्तों महानिदेशक हैं टेड्रेस गैब्रियस, इन्होंने ये बताया कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्वास्थ्य एजेंसी ने दो विशेषज्ञ ग्रुप की सलाह पर इस वैक्सीन को मंजूरी दिया है। तो WHO ने दो विशेषज्ञ का ग्रुप बना था, ठीक है, उसके जो है उनकी सलाह पर यह मंजूरी दी गई है। एक्सपर्ट ने देखा जाए मलेरिया के खतरे वाले बच्चों से, ठीक है, जिन बच्चों को मलेरिया का खतरा है उसे इस वैक्सीन के इस्तेमाल की भी सिफारिश की है। और इस वैक्सीन को दोस्तों देखिए बनाया गया, विकसित किया गया था ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, किसकी मदद से, जो भारत सीरम, भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी मदद से ये नई वैक्सीन विकसित किया है, जिसमें दोस्तों 3 खुराक है, ठीक है। तो मलेरिया की वैक्सीन, मलेरिया के बारे में पढ़ लीजिएगा, देखिए मलेरिया कैसे होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है, कौन सा वाहक होता है, तो ये किस मच्छर से, मादा एनाफिलीज जो है, देखिए ध्यान रखिएगा, डेंगू के लिए एडीज मच्छर होता है दोस्तों, और अगर मलेरिया की बात करें तो मादा एनाफिलीज, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा जो है ये वाहक होती है, वेक्टर होती है मलेरिया की, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ के माध्यम से ये बीमारी जो है फैलती है, ये रोग फैलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रैंकिंग से रिलेटेड है कि ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर आ गया है। ऑप्शन देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 47वें स्थान पर भारत आ गया है, चूंकि 50 सिर्फ 50 में भारत शामिल हो गया है। तो ये जो वैश्विक मोबाइल डाउनलोड स्पीड है, भारत ने इसमें काफी वृद्धि किया है, और इसी के साथ साथ एक जो है सूची जारी की जाती है, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, इस सूची में देखा जाए भारत जो है सिर्फ 50 में प्रवेश कर लिया है। तो सिर्फ 50 में प्रवेश करके भारत किस स्थान पे पहुंच गया है, ये जो ओकला स्पीड टेस्ट है ग्लोबल इंडेक्स, इसमें भारत देखा जाए तो 47वें स्थान पर आ गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि जब से 5G आया है भारत में, उसके बाद से जो मोबाइल स्पीड की परफॉर्मेंस है वो भारत में 3.59 गुना जो है वो बढ़ गई, बहुत अच्छी हो गई है। इसी के साथ साथ भारत ने अपनी मोबाइल स्पीड के मामले में रैंकिंग भी सुधारा है। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे विकसित देशों को, जैसे कि UK, जापान जैसे जो देश हैं, इन विकसित देशों को भी मोबाइल स्पीड के मामले में भारत ने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो पहली औसत डाउनलोड की स्पीड थी पिछले वर्ष सितंबर 2022 में भारत की, वो 13.87 MBPS थी, जो कि इस साल, एक साल के बाद अगस्त 2023 में देखा जाए तो ये बढ़कर के कितनी हो गई दोस्तों, 50.21 MBPS हो गई है। और इसी के साथ साथ देखा जाए सबसे अच्छी जो MBPS के मामले में कौन सा राज्य, स्टेट रहा है औसत डाउनलोड गति में, तो गुजरात में देखा जाए तो 512, चूंकि वहां पे जो है 5G लागू किया गया था, वहां से लेकर के जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया, वहां पे 19.23 MBPS तक रहा है। यहां पे अगर हम बात करें टॉप पर सबसे अच्छे जो MBPS स्पीड के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे दोस्तों, तो देखिए डेवलप्ड नेशन की बात तो नहीं आती, ये मध्य एशिया के देश है दोस्तों, UAE, ठीक है, ये इंडेक्स में जो है टॉप पर आता है कितने स्पीड के साथ, तो 210.89 जो है MBPS स्पीड के साथ। उसी तरह से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो है 192.71 MBPS स्पीड के साथ कतर जो है दूसरे स्थान पे आता है, और वहीं बात करें तो 153.86 MBPS स्पीड के साथ कुवैत जो है वो तीसरे स्थान पे आता है। तो टॉप पे अगर आप स्पीड देखें दोस्तों तो ये UAE है, ठीक है, भारत 47वें स्थान पे। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं ओकला, तो ओकला देखें जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है, ठीक है, ये दुनिया भर में क्या करता है, जो मोबाइल और फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड है उनको रैंकिंग प्रदान करता है। और ये कहाँ की कंपनी दोस्तों ओकला, तो ये सिएटल जो कि अमेरिका में, वहां पर ये स्थित कंपनी है, और ये अपने फिक्स ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क प्रशिक्षण एप्लीकेशन डेटा और विश्लेषण के लिए जानी जाती है। तो इसी के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है दोस्तों, कौन सी, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स सूची, भारत सिर्फ 50 से पहुंच गया है, कौन से स्थान पर, 47वें स्थान पर, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ आज लास्ट हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बताती हूँ क्यों। तो यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया गया है। तो हर घर सौर अभियान शिविर जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, और इस बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये हर घर सौर अभियान शुरू किया गया है, तो स्टार कर लीजिएगा क्योंकि UP स्पेशल भी हो जाता है करंट के साथ साथ। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे रोज कहती हूँ बच्चा कि आप लोग एक काम करिए, अलग से UP स्पेशल की बुक जो है कॉपी एक नोटबुक बनाइए, क्योंकि आपको पता है इस बार तो PCS में अलग से UP स्पेशल ही कर दिया गया, मेंस में भी अलग से
यूपी स्पेशल एग्जाम हो रहा है, और इवन हमारे प्रीलिम्स में भी यूपी से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो एक अलग से जो है यूपी स्पेशल की कॉपी बना लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेशल जैसे यहाँ पे आ रहा है तो उस कॉपी को खोल करके जो आप न्यूज देख रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो एक अलग से आपकी कॉपी हो जाएगी, तो बाद में एग्जाम के टाइम में आपको रिविजन करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी, बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों पिछले वर्ष देखा जाए उत्तर प्रदेश ने अपनी सौर ऊर्जा नीति को लागू किया था, और उसी के नीति को तहत जो है कार्यों को करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर सौर अभियान शिविर जो है वो शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों देखा जाए 2 अक्टूबर को, ठीक है, कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा पूरे जिलों में नहीं, बस विशेषकर लखनऊ और वाराणसी में जो है हर घर सौर अभियान शिविर की जो है शुरुआत किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। यहाँ पे देखा जाए इसके तहत क्या किया जाएगा, शिविर के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लोगों द्वारा, ठीक है, सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। तो एक तरीके से सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिविर की शुरुआत की गई है लखनऊ वाराणसी में, और बेसिकली उद्देश्य क्या है, तो जो राज्य के निवासी दोस्तों उनको सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, एक तरीके से उनको जागरूक करना, वो ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश के निवासी, इसके लिए लोगों को, ठीक है, एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए ये शिविर आयोजित की गई है। इससे जो है सरकार का, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हाल जो उत्तर प्रदेश की जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है जिसे हम यूपी नेडा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इससे जो है पिछले वर्ष सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा नीति 2023 लागू किया गया था, और इसी नीति के तहत कुछ लक्ष्य रखे गए थे, और उन्हें लक्ष्यों के तहत देखा जाए उन्हें हासिल करने में, उन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार जो विभिन्न विभिन्न कार्य कर रही है, और ये जो सौर ऊर्जा जो शिविर लगाया गया है उन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। और ये ध्यान रखिएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है, ठीक है, जिसके द्वारा ये सौर ऊर्जा नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये शिविर देखिए क्या करेगा, तो ये सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना करेगा, उन्हें लागू करने की प्रक्रिया के बारे में लोगों को व्यापक जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है। जहां पे अगर हम बात करें दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति है 2022, उसका बेसिकली उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ये आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाओं में 6000 मेगावाट की सौर छत संयंत्र जो है स्थापना हासिल करना है। यूपी नेडा के जो महानिदेशक है दोस्तों उनका नाम क्या है, अनुपम शुक्ला, उन्होंने ये बताया कि इस अभियान के तहत जो पहला बूट कैंप लगाया जाएगा लखनऊ के विकास भवन में आयोजित किया जाएगा, और ये शिविर देखा जाए रूफटॉप सिस्टम की स्थापना और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा। दोस्तों यहाँ पे बार बार हम बात कर ले रहे हैं सौर ऊर्जा नीति की, जो उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें, रुकेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति की, तो देखिए ये जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यूपी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लिख लीजिए, सौर ऊर्जा नीति, ठीक है, सौर ऊर्जा नीति 2022, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार कह रही हूं आप लोग देख लीजिएगा कहीं और भी अगर आपको डेटा मिले। ये जो नीति की घोषणा दोस्तों की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, ये किया गया था 16 नवंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 16 नवंबर कब किया गया था, 2022 में किया गया था, कितने वर्षों के लिए, तो अगले 5 वर्षों के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा अगले 5 वर्षों के लिए, ठीक है, इस नीति की घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या था दोस्तों, उद्देश्य भी आप लिख लीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ लिख लीजिए, उद्देश्य बेसिकली क्या था दोस्तों, जो पर्यावरण में दोस्तों जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, तो एक तरीके से कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, उत्सर्जन को कम करना। अब ये कैसे कम किया जा सकता है, तो जो गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के, ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत जिनका जो है दोस्तों जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, गैर परंपरागत स्रोत है उनको बढ़ावा देना। अब भाई गैर परंपरागत स्रोत क्या है दोस्तों, परंपरागत स्रोत जो होते हैं, ठीक है, वो जैसा कि आपको पता ही है, देखा जाए तो एक तरीके से ये वो स्रोत होते हैं, जैसे कि गैर परंपरागत स्रोत के अंदर जैसे आप सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं जिनको आप तुरंत जो है जिनका आप निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, पवन ऊर्जा की हम बात कर सकते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं उन्हीं को हम गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और इन्हीं के तहत अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जैसे कि आपसे पहले बात किया गया, तो एक तरीके से गैर परंपरागत जो स्रोत है उससे ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना, जिससे कि
पर्यावरण में जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है वो कम किया जा सके। अगर आपसे पूछ दिए भाई कि इसमें जो नोडल एजेंसी कौन है, अभी मैंने आपसे बात किया यूपी नेडा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। यूपी नेडा जो है इसकी नवीन नोडल एजेंसी है। और एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके तहत जो है लक्ष्य रखा गया है अगले 5 वर्षों के लिए, ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है दोस्तों, सौर ऊर्जा उत्पादन का, तो ये रखा गया है 22,000 मेगावाट, ठीक है, 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, जिसमें से सर्वाधिक देखा जाए दोस्तों, जिसमें से अगर आपसे पूछ दे कि सोलर पार्क से कितना होगा दोस्तों, तो ये 1400 मेगावाट होगा, ये आप लिख सकते हैं। ये किससे होगा दोस्तों, तो सोलर पार्क से लिख लीजिए, ये सारी चीजें पॉइंट है। जिसमें से अगर आपसे पूछ दे कि भाई रूफ टॉप से जो है गैर आवासीय जो है उसमें कितना, तो ये 1500 मेगावाट का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कुसुम योजना के तहत कितना, तो 2000 मेगावाट। देखिए कुसुम योजना आ गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कुसुम योजना के बारे में, क्योंकि कुसुम योजना के बारे में मैंने आपसे पिछली कई क्लासों में डिस्कशन भी किया था। कुसुम योजना मुझे बताइए कि ये कब लागू की गई थी, कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें दोस्तों, यहाँ पे 4500 जो है मेगावाट ये आवासीय रूफटॉप है, ठीक है, तो रूफटॉप से गैर आवासीय जो की अगर बात करें दोस्तों, तो ये 1500 मेगावाट है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि भैया यहाँ पे आवासीय रूफटॉप से कितना है, तो 4500 मेगावाट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, तो ये जरूरी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि देश के केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे के अध्यक्षता में अस्थायी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में देखा जाए सुब्रतो कप सब जूनियर अंडर 14 शुरू हुआ है, कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सुब्रतो कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। अगला है 15वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया किसने किया, तो डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है, किसने किया है, दिल्ली सरकार ने किया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया, किसे चुना गया है, राकेश शर्मा को चुना गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मेरी पूरी कोशिश रहती है हर चीज आपको बताने की जहां भी चीजें रहती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आप डेली अगर 10 से 15 से 20 में तो कहने के लिए 10 क्वेश्चन और 5 आपका फैक्ट्स ऑफ द डे होता है। क्वेश्चन के दौरान मैं और भी चीजें पूछ लेती हूँ, तो 20 से 22 जो है आपका डेली करंट अफेयर की चीजें हो जाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों बहुत है, एक दिन में इतना ज्यादा बहुत है, सफिशियंट है, बस इसी को रिविजन करते रहिए। और जो आपसे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों उसी का आंसर करिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन होगा आप लोग की तरफ से। एक तरीके से मैं सच में बहुत खुश होती हूँ जब आप मुझे आंसर करते हैं। तो अगर मैं 4 क्वेश्चन पूछूं तो उसका एक ही आंसर करिए, नहीं आप चारों कर पाते। देखिए मोहम्मद दानिश बहुत अच्छा आंसर करते हैं, वो तो सबका आंसर करते हैं मोहम्मद जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, कि इतना अच्छा आंसर करते हैं और रेगुलर करते हैं, रेगुलर मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कभी मिस करते होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि वो कितने डिसिप्लिन है, हर चीज़ को कितना रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ का आंसर कर रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद भी करती हूँ वो एक अच्छे लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, और जिस चीज की भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें वो जरूर सफल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो डिसिप्लिन है, रेगुलर जो है चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे एक तरीके से ऐसा इंडिकेशन आता है कि हाँ वो बहुत आगे जाएंगे। तो इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की PDF है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका देखिए जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहां से दोस्तों कल मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।